काफी ब्यूटीफुल दोस्तों। और आज है दशहरा, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वाला दशहरा। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी दोपहर हो चुकी है, तो गुड आफ्टरनून, क्योंकि भाई काफी लेट उठा। और देखो शैम्पू वम्पू अभी जस्ट मतलब लाइक नहा के निकला हूँ। और आज दशहरा तो खाना पीना तो बनता है, जलेबी फाफड़ा चौड़ा फड़ी मैगी की। आज मम्मी डैडी भी बाहर गए हुए, तो ये सब खाना पड़ेगा। तो क्या म्यूजिक? हाँ तो फिर चलो, तो चलते हैं, सब कुछ लेके आते हैं और आज का दिन फुल एंजॉय करते हैं। फिर पता नहीं कब ऐसा एंजॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो चलो। तो दोस्तों अभी तो प्लेट खाली है, लेकिन प्लेट किससे भरने वाली है ये आपको मैं बताऊं। ये देख लो भाई, चौड़ा फड़ी फाफड़ा जलेबी चौड़ा फड़ी मैगी। ये चौड़ा फड़ी की चटनी है, ये छाछ है। तो दोस्तों आज का दिन भर का स्टॉक है ये हमारे, जो कि खाने गए। ऐसे तो काफी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे पूरा हो जाएगा। तो आज है दशहरा, दशहरा को तो दिल खोल के खाना चाहिए, लेकिन हम पेट खोल के खा रहे। तो चलो डिश में लेते और फिर एंजॉय करते। हाँ तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। देखो भाई, अगर बाहर का खाना हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि घर का खाना नहीं खाया जाता। तो पराठे भी है और ये कोबीज की सब्जी भी है, तो वो भी खानी पड़ती है। और बाकी तो भाई कितने जात की आइटम है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और मैगी पड़ी है ना, वो शाम को हम खाएंगे। और ये रही चटनी फाफड़े के लिए, अब डीसी भर गई तो कहाँ लूँ मैं, तो चलो इसको खाएंगे। तो दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है, अब बारी है आपको बताइएगा, आ जाओ बता दो क्या है, किस चीज की बारी है जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा कंटाड़ आ रहा है। ये रहा भाई, पोछा करने का है यार, काम भी लिया है तो थोड़ा धुलता भी है, तो पोछा करना पड़ेगा। चलो तो पोछा करते, तो पोछा करने की आज मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखो सबसे पहले इस पोछे को गीले कर देने का, ऐसे करके गीला हो गया। हमें ऐसे ही नहीं छोड़ते, हमारे ऐसे अब चलते अंदर। तो दोस्तों अब लोगों के पोछे लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं और मेरा अलग मेथड है, दिखा दो। सबसे पहले पोछे को यहाँ पे रख देने का, पोछा लगाना पड़ता है क्योंकि भाई खाया है तो, इतना सारा खाया है तो पोछा तो लगाना पड़ेगा, और कुछ सबूत ना रह जाए। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है हर चीज। तो पोछा 2 मिनट में, हाँ तो पोछा 2 मिनट में ऐसा किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, पोछा मार दिए, जो हमने खाके धुलाया था वो तो ठीक कर दिया है, जिसमें खाया है उसकी धोने की बारी है। चलो धोया जाए बर्तन भाई, बर्तन भी कितना टाइम बाद धो रहा हूँ, बर्तन ऐसे ही धोते ना, बताना। तो डिश भी धो रहे थे क्योंकि ये डिश में वापस से खाने गए तो अच्छे से धो रहे थे, ये तो ऐसे ही धो के रख देंगे, इसको क्या बता सकते। और मैंने तो 2 ही बर्तन बिगाड़े थे, गिन के भले खाना कितना भी हो, इससे 2 ही धोना, एक ये वाटकिन और एक डिश। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कभी आपने बर्तन धोए होंगे ऐसे तो, और कमेंट बॉक्स का बोलता तो हूँ लेकिन बताता कोई है नहीं, तो जो कि काफी खराब बात है मेरे लिए। अरे तुम देखो ताली दो बाजू से बजती है, तो थोड़ा आप बजाओ थोड़ा मैं, बाकी तो ताली बाकी तो जिंदगी बजाई थी मजबूत में। तो चलो अब भाई आराम करेंगे, बहुत काम कर लिया यार, 2 डिश 2 ही है, बुझा आ रहा है घुक घुक के, तो हमें थक गया, मेरे को सोना है। चलो और मैं शाम को जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले आ जाता हूँ टेरेस पे। सो गाइस आज है काफ़ी ब्यूटीफुल सनसेट हुआ है, और मतलब मौसम देखो इतना मस्त लग रहा है ढाबे से, तो थोड़ी देर ढाबे पे आए थे भाई, और मस्त बैठ के सॉन्ग वॉन्ग सुनेंगे और मौज करेंगे और क्या।
और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ से ज्यादा। एज यू नो आई एम अ वीडियोग्राफर, तो मौके पे चौका मारना तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं भाई। काफ़ी अच्छा से वीडियो बनाया मैंने, जो कि अपने स्टोरी पे भी अपलोड किया, लेकिन अब आप ये देखो। तो दोस्तों टाइम देखो, हो चुका है 2 AM आफ्टरनून, सॉरी मॉर्निंग बोलू या नाइट बोलू, और हमारा यहाँ पे चालू है क्या सेशन, सॉन्ग चालू है, मैगी चालू है, मिर्ची में अपना काम पूरा कर चुका हूँ मिर्ची काटने का, यहाँ पे आयुष डूंगरी काटते हुए और आँख में से आंसू निकालते हुए, और कुछ सॉन्ग भी कुछ इस तरह के गोठवे दे के आंसू आ ही जाएंगे नहाते हुए भी, और पेठा बेठा है आगरे का फेमस पेठा, अभी मक्खी खा रही है, खान देते इसको, फाफड़ा है, चौड़ा फली है भाई, बहुत कुछ खाने को है। तो दशहरा तो भाई बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने, और कुछ भी बोलो, दशहरा पट गया, दशहरा का दिन भी पट गया, फिर भी हम एंजॉय किए जा रहे हैं, और अभी पराठे तो बाकी है मम्मी के सुबह के बनाए थे, आज कहाँ जाएंगे पराठे, घर के बैठे में ना ना अभी गर्म करके खा देंगे। तो अरे ये कैमरा ब्लर हो गया मेरा बाफ के कारण, रुको कैमरा साफ कर देता हूँ। तो हाँ कैमरा साफ कर दिए, और भाई अभी यहाँ पे मना रहा है मिक्स चवाणू डूंगरी बुंगरी डाल के, पता नहीं राजस्थानी स्टाइल। हाँ ये देखो, पहले तो ये करना तो जरूरी है, क्या उसका मुँह स्वाद तो करना पड़ता है, पीते टाइम ऐसे और खाते टाइम ऐसे। चलो बन ही रहा है तो हम खाएंगे, बाकी ये बर्तन तो मेरे नसीब में आएंगे धोने के लिए दोनों दोनों, पर मैं अभी गिनती गिनती लगाता जा रहा हूँ, 1, 2, 3 and 4, बाकी देखते हैं। तो खाएंगे इसमें तो इसमें ही खा देंगे, बर्तन कम बिगाड़ने के दोस्तों, सेव वाटर, जब खुद से बर्तन धो तो सेव वाटर। तो गाइज अभी मैं आपको टाइम दिखा था, वो बच चुके 2:19 यानी 2:20 ऑलमोस्ट, और हमारा भाई सीन देखो, चौड़ा फड़ी पराठे, आलू से फाफड़ा, फिर ये चौड़ा फड़ी की चटनी, ये मैगी, और वो भाई ने अलग से आज राजस्थानी स्पेशल क्या बनाया, रागड़ा बोलते, राजस्थानी स्पेशल रागड़ा बनाया, जो कि मैंने भी टेस्ट किया, काफी अच्छा है। तो भाई आज का दशहरा तो मतलब काफी यादगार रहा, क्या बोलना चाहेगा आशो? तो चलो अब खाते हैं भाई, इतनी मेहनत करी है, मशक्कत, और हाँ भाई बर्तन ना धोने पड़े इसलिए ये घर में पड़े थे, तो इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे। तो हमने इतना खा लिया था कि मैं व्लॉग एंड ही नहीं कर पाया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों बाय।